हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट अरिवा। और मैं अरिवा आज आप लोगों को एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, ऐसा एक फेस वॉश बताऊंगी जो आप लोगों को फेस वॉश करने की आदत ही छूट जाएगी। जी हाँ, टॉपिक देख के तो आप समझ ही गए होंगे। ये ऐसा इंग्रेडिएंट्स है गाइस, ये है चिपकी फ्लावर, बेसन और ये है टमाटर। आप देख सक रहे हैं, आपने बस ये दो इन्ग्रीडियंट्स अपने डेली रूटीन में ऐड कर लेना है गाइस। आप कोई भी फेस वॉश लगाते हो आप वो भूल जाओगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले ये बताऊँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशा मेरे आने वाले न्यू वीडियो से अपडेट रहेंगे। साथ में एक छोटी सी बेल आइकन होगी, उसे भी क्लिक करेंगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपने तुरंत मिल जाएगी। चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे बताया मैंने, बेसन हर घर में अवेलेबल होता है गाइस, और बहुत ही सस्ता सा इंग्रेडिएंट्स है। और ये ऐसा एक इंग्रेडिएंट्स है जो ऑल स्किन टाइप के लिए गुड होता है। ये बेसन से हमारी स्किन पे जो सारे बहुत दाग हो जाते हैं, यानी स्कार्स वगैरह होते हैं, पिगमेंटेशन होता है, हमारी स्किन जो अनइवन टोन होती है वो भी टोन हो जाएगी। टमाटर जो होती है वो स्किन लाइटनिंग एजेंट का काम करती है। ये स्किन के जो इफेक्ट होती है, वाइटनिंग इफेक्ट देता है ये टमाटर। टमाटर हमारे स्किन के जो स्कार्स वगैरह को भी रिमूव करने का काम करती है। अनइवन टोन को, जो छोटे छोटे खड्डे हो जाते हैं स्किन पे, उबड़ खबड़ जो स्किन होती है उसे भी अच्छा करता है। टमाटर में वो तत्व होते हैं। सो टमाटर हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और सॉरी, टमाटर मेरे पास अभी थोड़ा सा पका हुआ नहीं था तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। तो अगर आपके पास होगा तो रेड टमाटो ही लें, बस छोटा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अभी लॉकडाउन में ये भी चीज़ों को वेस्ट नहीं करने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी जो सीजन चल रहा है उसमें हमें सब चीज़ों को बहुत सेफ्टी से इस्तेमाल करना है। तो इस सीजन में मैं आपको, अगर आप फेस वॉश नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो आप इस इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे तो आपका जो फेस अच्छे से क्लीन हो जाएगा। चलिए अब जल्दी से वीडियो मैं शुरू कर देती हूँ। आपने क्या करना है, 1 टीस्पून आपने क्या लेना है, बेसन। और ये टमाटर हाफ ही यूज़ करना है। जी हाँ, हाफ में हाफ करके आपको दिखा रही हूँ। तो इसका क्या करना है, आपने पल्प लेना है। इस तरह से हाफ कर लेके पल्प ले ले। ज़्यादातर की कोशिश करेंगे कि इसका पूरा पल्प आपने यूज़ कर लेना है। और उसके बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरह से पल्प से ही ये पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट को बन गया इस तरह से। बस इस पैक को बनाने के बाद इसमें आपने फ्यू ड्रॉप आपने रोज़ वाटर ऐड करना है। रोज़ वाटर मैं इसलिए ऐड करती हूँ, ये स्किन के लिए अच्छा होता है, स्किन को फ्रेश करता है, हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है ये। तो ये मिक्स कर ले आपने। अगर आप पका हुआ जो पल्प लेंगे ना टमाटर वाला, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से आपने ले लेना है और आपने इस तरह से पूरी फेस पे रब करते जाना है। आपने ये आपने 15 मिनट तक करना है अपने फेस पे। इस तरह से पहले शुरू का 1 मिनट करेंगे, फिर आपने इस तरह से 1 मिनट कंटिन्यू करना है। नोज़ एरिया, चीक एरिया, फोरहेड, आपने ये सारे अपने जो पार्ट्स होते हैं उसे ले लेना है। आप अगर नेक पे भी करना चाहते हैं, अपने हैंड पे भी करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से, इस पे पानी ज़रा भी नहीं देना है, आपने टोमेटो का पल्प से ही इसको करना है इस तरह से। तो गाइस इस तरह से करें। और बताएं आपके शहर का क्या हाल है लॉकडाउन में। मैं तो अपनी सिटी में बहुत अभी सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ और मैं घर पे रहती हूँ, बिकॉज़ मैं कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदने के लिए भी बाहर नहीं जा रही हूँ जरा भी। तो मैं आपसे भी होप करती हूँ आप लोग भी घर पे ही रहें, हिफाजत से रहें और रोज़ बात लें। सिर्फ हाथ धोने से कुछ नहीं होगा, रोज़ बात लें, अपने हाथ पैर सफ़ा रखें, डिटॉल का इस्तेमाल करें। अगर आप डिटॉल अपने पानी में यूज़ करेंगे तो उस तरह से आपको भी बहुत फ़ायदा आएगा। नहाने के टब में आपने फ्यू ड्रॉप आपने डिटॉल डालना है, उस पानी से आपने बात लेना है। ये क्या होगा कि आपकी जो जम्स वगैरह पूरी बॉडी पे आ चुकी है, निकल जाएगा, चाहे कोई भी तरह का जम्स हो तो आप ऐसे भी, और डिटॉल से आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। साथ में आपने नीम की जो पत्तियां होती है, अगर आपके सिटी में अवेलेबल है तो आप वो नीम की पत्तियों को भी अपने पानी में डाल के हाफ आवर छोड़ देंगे, उसके बाद आप उससे बात लेंगे, वो भी आपकी स्किन के लिए और आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप इस सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे गाइस। ये घरेलू नुस्खा है। सो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके सिटी का क्या हाल है। इस तरह से आपने पूरे रब कर लेना है और 15 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद आपने सिर्फ वाटर वॉश करना है। इस तरह से बाद में फिर अप्लाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है मैंने देखिए बातों में मैंने बताया नहीं। इस तरह से फिर आपने स्प्रेड कर लेना है। 1 मिनट में आपने बार बार लेते जाना है पूरे फेस पे। गाइस जब ये हटाएंगे ना तो आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलने आएंगे, प्रॉमिस। ये इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला पैक है। आप सेंसिटिव स्किन है तो ज़्यादा रब नहीं करेंगे, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बाकी ऑल स्किन टाइप वालों के लिए ये बेस्ट है गाइस। अब मैं इसको आपको वॉश करके दिखा रही हूँ। तो गाइस देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसे वॉश ऑफ कर लिया है। वॉश ऑफ करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी और ग्लॉसी भी होगी। और अब स्किन एकदम ऑयल लेस हो जाएगी, आपकी स्किन एकदम ऑयल फ्री हो जाएगी, ज़रा भी उस पर ऑयल नहीं आएगा। और आपने ऐसा लगेगा कि सच में आपने कोई बहुत ही अच्छा फेस वॉश यूज़ किया। ये इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करें और इसे पूरा फिनिश करिएगा प्लीज़ गाइस, ज़रूर करें। और आप करके मुझे ज़रूर बताएंगे, आपने बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, प्रॉमिस। ये मेरा वादा है। अगर आपको नहीं अच्छा होगा तो आप मुझे बोलिएगा। तो आप इसको यूज़ करें, उसके बाद आप मुझे आकर
ज़रूर बताएंगे। और हाँ, इसे डेली आप करेंगे, इससे कुछ भी बैड इफेक्ट नहीं होगा। आप टू वन दिन में एक बार इसको ज़रूर करें। आप इसको दोपहर में या सुबह मॉर्निंग के टाइम इसका यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आपको वॉश करने के बाद रोज़ वाटर अपने पूरे फेस पर लगा के अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेंगे, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। डे बाई डे आपकी स्किन लाइटन इफेक्ट भी आएगा, स्किन इंबैलेंस भी हो जाएगी, आपकी स्किन के अनइवन टोन है, खड्डे हैं, उबड़ खाबड़ स्किन है, वो सब भी हो जाएंगे, पिगमेंटेशन आना भी खत्म हो जाएगा और आपको पिंपल भी नहीं आएंगे, आपकी स्किन ऑयल फ्री भी हो जाएगी। सारा इफेक्ट आपको ये जरूर देगा। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।